मरने वाले तो खैर बेबस हैं, जीने वाले कमाल करते हैं। पूरी जिंदगी घर में हजामत किया, ये दूसरा मौका था जब सैलून में शेव बनाने पहुंचे। शेव बनाकर तैयार होकर पूरी तैयारी से घर से निकले थे, पर ऐन वक्त पर लगातार दूसरी बार कानून ने धोखा दे दिया। नहीं पहचान पाए तो पहचान लीजिए, जी हाँ, ये पवन जल्लाद ही है। रविवार को तिहाड़ जाने से पहले कुछ इसी अंदाज में तैयार होकर घर से निकले थे। अजब तमाशा है, एक तरफ मरने वाले को मौत का इंतजार है तो दूसरी तरफ मारने वाला बेकरार है। अजीब नसीब है इनका, ये पवन जल्लाद है, अकेले आज तक इन्होंने एक भी फांसी नहीं दी। पहली बार फांसी देने जा रहे थे और पहली ही बार में अपने बाप दादा का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले थे। रिकॉर्ड एक साथ चार लोगों को फांसी देने का, जो अब तक पवन के जल्लाद बाप दादा ने भी नहीं किया। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ना तो दूर, कानूनी पचड़ों ने बिना फांसी दिए पवन जल्लाद के नाम एक नया रिकॉर्ड बना दिया। पवन जल्लाद अब देश के पहले ऐसे जल्लाद बन गए जो दो दो बार तिहाड़ गए फांसी देने के लिए और दोनों ही बार बैरंग लौटा है। इन चारों की बेबसी तो समझी जा सकती है, इन्होंने जो जुर्म किया है उसके लिए मौत ही इनका मुकद्दर है, पर इस बेचारे जल्लाद का क्या करें। पूरी तैयारी के साथ दिल दिमाग को तैयार कर अपनी जिंदगी की पहली फांसी देने मेरठ से चलकर दो दो बार पवन तिहाड़ पहुंचते हैं। पहली बार 29 जनवरी को पवन तिहाड़ पहुंचे थे क्योंकि तब 1 फरवरी को फांसी होनी थी, मगर 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पवन तिहाड़ के मेहमान रहे। फांसी की रस्सी देखी, डमी फांसी देखी, फांसी का तख्ता देखा, लीवर चेक किया, पर जो असली काम करना था वो नहीं किया। करते भी कैसे, फांसी तारीख की रस्सियों में उलझ जो गई थी। खैर, 5 दिन तिहाड़ का मेहमान बनने के बाद खुद तिहाड़ वालों ने इस भरोसे के साथ उन्हें विदाई दी कि अगली तारीख पर रिकॉर्ड जरूर बनेगा। पवन ने बुझे मन से तिहाड़ से निकलकर दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड की और फिर वापस घर मेरठ लौट गए। उकताए मन से पवन अब अगली तारीख का इंतजार कर रहे थे। दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा था, रिकॉर्ड बनाने के इतने नजदीक पहुंचकर खाली हाथ लौटना खल रहा था। मीडिया के अपने दोस्तों को फोन कर करके पूछ रहे थे अब कब फांसी होगी। बेचैनी और कश्मकश भरे ये दिन आखिर खत्म होते हैं, मौत की नई तारीख आ जाती है 3 मार्च। कानूनी लड़ाई भले ही अदालतों में चलती है, जेल के अपने नियम कानून होते हैं, लिहाजा एक बार फिर जनवरी की कहानी दोहराई जाती है। 1 मार्च की सुबह पहले से ही अलर्ट पवन जल्लाद को मेरठ जेल के जरिए खबर मिलती है, आज ही तिहाड़ पहुंचना है, अधिकारी लेने आ रहे हैं, तैयारी कर लो। फोन रखने के कुछ ही घंटे बाद रविवार दोपहर करीब 12 बजे मेरठ में पवन जल्लाद के घर सरकारी गाड़ी पहुंच जाती है। घर वाले एक बार फिर पवन जल्लाद को तमाम शुभकामनाओं समेत विदा कर देते हैं। शाम 4 बजे से पहले पवन महीने भर के अंदर दूसरी बार अब तिहाड़ पहुंच चुका था। 1 महीने में दूसरी बार अब पवन तिहाड़ में, पर अफसोस इस बार भी पवन का अपने बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ने का सपना अधूरा ही रह गया। इस बार भी उसे तिहाड़ से बैरंग ही लौटना पड़ेगा, वो लौटेगा तभी तो तीसरी बार जाएगा। क्या पता तीसरी बार में सचमुच पवन जल्लाद अपने बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ दे। तब तक इंतजार कीजिए।